तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट टू को कवर किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चन को, तो पहले आप उस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक आध क्वेश्चन उसके उसी से मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेड स्क्वायर को रिमूव करना होगा। तो जेड स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जेड स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक्स बाई जेड आ गया, पी डेल जेड और पी के जगह पे हम लोगों ने पुट किया है डेल जेड बाई डेल एक्स। ओके, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा। यानी पी के साथ वेरिएबल हम लोगों ने एक्स का यूज़ किया है, क्यू के साथ वेरिएबल वाई का यूज़ किया है, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू वन। और यहाँ से हम लोगों ने इसे माना है कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डेल इंटू कैपिटल एक्स, ये आपका कैपिटल एक्स है। उसके बाद डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू डेल इंटू कैपिटल वाई, और डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल इंटू कैपिटल जेड। सो डैट एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग वाई एंड जेड इज इक्वल टू लॉग जेड। और इसको अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स बाई जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। और यहाँ से इक्वेशन वन को अगर हम पुट करते हैं, इक्वेशन वन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। और वहाँ से आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं पी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स है एंड क्यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई है। और इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा एफ ऑफ क्यू कमा पी कमा क्यू इज इक्वल टू जीरो पे क्या करना है, पुट करना है। तो ये आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा वो आपका इस टर्म में आएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल सी वन, ये आपका इक्वेशन टू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो आपका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन है, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स वाई। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि ये जो भी टर्म होता है डी के टर्म में या फिर पार्शियली डिफरेंशिएट के टर्म में, तो उसे हमें क्या करना होता है, डी के टर्म में रिमूव करना होता है। तो डी के टर्म में अगर हम उसे मूव करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस टू इंटू यहाँ पे डी इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स वाई। और अगर इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, एम का दो वैल्यू आएगा और यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फैक्टर आपका फाइंड हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर के बाद आपका जो पार्ट आता है वो आपका आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो टर्म होगा वो आपका यही होगा, डिवाइड में टू इंटू ट्वेल्व एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद आपका पास कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा बानोमिल थ्योरम के थ्रू। तो ये आपका पी आई आएगा। ओके, और उसके बाद जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा यू आपका ये हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द लैग्रांजेस मेथड सॉल्व द इक्वेशन वाई जेड पी प्लस जेड एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये आपके पास जो टर्म दिख रहा होगा आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत ही इजी वे में इसे समझाया गया। और उसके बाद इसे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, और यहाँ से आपका इस प्रकार का वैल्यू आएगा जो आप देख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ओके, और फ्रेंड ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो यूजिंग चारपिट्स मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इसको कॉपरेट करना होगा, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड कमा पी कमा क्यू इज इक्वल टू जीरो, और अगर इसे आप थोड़ा सा सेपरेट करते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस क्यू पी इंटू इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन हो जाएगा। और यहाँ से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में, तो इस प्रकार का आपको वैल्यू मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू जो आपका चारपिट इक्वेशन होता है, ये आपका इक्वेशन है डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल पी, और माइनस में आपका इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस पी माइनस में, और यहाँ पे डेल जेड डिवाइडेड बाई माइनस पी इंटू डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का जो आपका आएगा वो वैल्यू आएगा। और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली जो आएगा वैल्यू ये आएगा। एंड वी हैव द चूज द सिंपलेस्ट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को अगर इन्वॉल्व करके अगर हम इसे सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद ये टर्म आपके पास आएगा, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन होगा वन बाई पी, तो वन बाई पी का लॉग पी हो जाएगा और यहाँ पे लॉग क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्यू इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि लॉग आपका कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ से हम पुट करेंगे पी के वैल्यू को इक्वेशन वन में, तो इस प्रकार का वैल्यू आएगा। और यहाँ से ये आपका वैल्यू आएगा, इसके बाद
और फ्रेंड उसके बाद जो आपका वैल्यू है इस प्रकार का वैल्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप सिंपल सा आपका यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन है, आप वेरिएबल को सेपरेट करके उसको सिंपल सा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डी स्क्वायर प्लस माइनस डी इंटू डी डैश प्लस 2 इंटू डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपका इक्वेशन है, एक्सेलरेटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन का वैल्यू इतना है और एक्सेलरेटेड इक्वेशन के थ्रू हम जो सी एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे सी एफ का वैल्यू इतना आ जाएगा और पी आई का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पी आई का वैल्यू इतना आएगा। ओके, और यहाँ से सिंपल सा सॉल्यूशन वही होता है सी एफ प्लस पी आई, तो आपको क्या करना है सिंपल से वैल्यू को पुट कर देना है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कह रहे हैं डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है, एक्सेलरेटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेटेड इक्वेशन का वैल्यू 2 आएगा, 1,1 यहाँ से सी एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे निकल जाएगा, पी आई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे पी आई का वैल्यू इतना आएगा, पी आई का वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे सिंपल सा आपका वेरिएबल आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप जैसे ही करेंगे तो पी आई का वैल्यू इतना आता है। अगर सिंपल सा जो आपका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है दोनों टर्म को जोड़ देना होता है तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। इसे हमें क्या करना है एक्सेलरेटेड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जो होता है आपका डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें इसे पुट करना होगा। पुट करने के बाद जो आपका चारपिट्स इक्वेशन जो था उस इक्वेशन के थ्रू हमें इसे पुट करना होगा। पुट करने के बाद इस प्रकार का वैल्यू आएगा और यहाँ से लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग टू सी टू आएगा और यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई क्यू माइनस एक्स पी इज इक्वल टू जेड। हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है, एक्सेलरेटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन आ जाएगा और यहाँ से लॉग लॉग कॉमन हो सकता है तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन इज वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और यहाँ से हम क्या करेंगे टेकिंग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड वी गेट, यहाँ पे हम पुट करेंगे उस वैल्यू को तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। और यहाँ से हम 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पी आई हमें फाइंड करना है तो पी आई ये आपका फाइनली वैल्यू आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।